बिहार में एक बार फिर से क्रिकेट की चमक लौट चुकी है। पिछले साल से ही पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेले जा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी की कई बड़ी बड़ी टीम पटना के इस मैदान में बिहार के सामने मुकाबला खेल चुकी है। इस दौरान पिछले साल से लेकर अब तक कई बड़े ऐसे सितारे खेलते दिखे जो भारतीय इंटरनेशनल टीम के लिए भी क्रिकेट खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। इनमें भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे, मौजूदा बल्लेबाज सरफराज खान, शिवम दुबे, तुषार देश पांडे, मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे, श्रेयस गोपाल और अभिनव मनोहर जैसे कई खिलाड़ी शामिल हैं। बिहार के क्रिकेट प्रेम इन खिलाड़ियों को अपने राज्य में क्रिकेट खेलते हुए देखकर काफी लोगों को खुशी हो रही है। पटना में साल दो और रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाने हैं। इसमें एक बार फिर से कई बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स पटना में धूम मचाते दिखेंगे। इन दिनों वो अंतर्राष्ट्रीय T20 में अपने बल्लेबाजी से धूम मचाने वाले रिंकू सिंह भी पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में धूम मचाते दिखेंगे। रिंकू सिंह के बल्लेबाजी के फैन फॉलोइंग इन दिनों पूरे देश में है। IPL में लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्का लगाकर चर्चा में आए रिंकू सिंह ने देश के लिए भी कई विस्फोटक पारियां खेली है। बिहार में भी रिंकू सिंह के चाहने वालों की कमी नहीं है। रणजी ट्रॉफी में यूपी टीम से खेलने वाले रिंकू सिंह जनवरी के महीने में पटना खेलने आ सकते हैं। जनवरी में यूपी और बिहार के बीच रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला जाना है। रिंकू सिंह यूपी टीम का हिस्सा है। ऐसे में रिंकू सिंह के पटना आने की संभावना है और संभवतः पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में रिंकू सिंह अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरते नजर आने वाले हैं। बिहार के क्रिकेट दर्शक अपनी घरेलू टीम बिहार के समर्थन के अलावा रिंकू सिंह का भी जोरदार स्वागत करेगी। रिंकू सिंह भारत के लिए खेलते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी में धमाल मचाते हैं तो देश भर के क्रिकेट प्रेमी उनके बल्लेबाजी से प्रभावित होते हैं। ऐसे में बिहार के क्रिकेट दर्शक भी रिंकू सिंह के बल्लेबाजी का नजारा बिहार में देखना चाहेंगे। इनके अलावा जब बिहार की टीम मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेलेगी, इस दौरान वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज भी पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में खेलते दिखेंगे। आप कितने एक्साइटेड हैं इस मैच को देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।